विदिशा जिले के ग्यारसपुर तहसील के हैदरपुर क्षेत्र में गोवंश काटे जाने का आरोप हिंदू संगठन ने लगाया है। संगठनों ने बताया कि कई सालों से गोवंश काटकर मांस खुले बाजार में बेचा जा रहा है। जब इसकी जानकारी लगी, मौके पर सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन वहां पहुंच गए और प्रशासन से पशु वध करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा। आपको बता दें कि 3 संदिग्ध लोगों के खिलाफ हैदरगढ़ थाने में नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। SDOP और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने कहा कि जो भी लोग संदेह के घेरे में हैं, उनसे कड़ाई से पूछताछ कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। केस आया गोवंश को लेकर यहाँ पर, कई समय से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कई समय से गाय काटी जा रही है, आप क्या बताना चाहते हैं? आज हम गौ रक्षा मंच वाले हैदरगढ़ और हिंदू रक्षा मंच वालों को ये जानकारी मिली सुबह पुख्ता सूत्रों से कि हातमगढ़ के जंगलों में पशुवध के निशान मिले हैं। तो हम सब लोग लड़के यहाँ पर उपस्थित हुए। पहले हम कुछ कम लड़के आए तो हम लोगों ने अपने स्तर पे देखा, पर हम लोगों ने आसपास सूचित करा और हमने देखा तो 5 से 6 स्पॉट वहाँ पे ऐसे मिले हैं जहाँ पर गोवंश मिला है, गोवंश के अवशेष मिले हुए हैं, कुछ 2-3 दिन पुराना खून मिला हुआ है वहाँ पर। और इसके बाद हमने पुलिस प्रशासन में सूचित किया, डायल 100 पर कॉल किया तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया, उनके सामने हमने वीडियोग्राफी करवाई है। और हमारी मांग है सरकार से और पुलिस प्रशासन की इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, पूरा हैदरगढ़ थाना जो है इसके आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और रात में ये घटनाएं होती हैं। और जो हातमगढ़ में हुआ है, हम सभी जो गौ रक्षा मंच वाले और गौ प्रेमी लोग हैं, सरकार से कठिन से कठिन कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। इसमें ऐसा कोई व्यक्ति जो आप बता सकते हैं, कोई संदिग्ध घेरे में यहाँ कौन आ सकता है? ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति तो हमें अभी नहीं मिला है। अभी कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है, लेकिन हमें पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली थी कि यहाँ पे इस प्रकार के कार्य पहले से भी होते रहे हैं और अभी ये सूचना मिली है तो ये हमने आपको मीडिया में ही बताया और सारे पुलिस प्रशासन जो भी जानकारी और कुछ संदिग्ध के नाम जात कोई FIR की गई है कि आप लोगों के 3 लोगों के नाम से हम लोगों ने पुलिस में FIR करी है। इसमें एक है सगीर उर्फ शरीफ, दूसरे हैं शाहरुख उर्फ शरीफ और तीसरे हैं सागर उर्फ अंसार, और इनके खिलाफ साक्ष्य भी हमने, वो इनके पिताजी का नाम बल्दियत है कि वो इनकी बल्दियत है, तो इन तीनों के खिलाफ नामजद FIR हुई है और पुलिस प्रशासन को इनके खिलाफ सबूत और साक्ष्य जो भी है वो हमारे द्वारा प्रदान कर दिए गए हैं और सरकार से एक बार और प्रशासन से मांग करेंगे इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जो केस आया गौ हत्या को लेकर अज्ञात लोगों के द्वारा जो ग्रामीण मिली, इसमें क्या क्या है, कुछ निकल के आया, इसकी सुराग मिल रहा है, किसके द्वारा किया गया सब काम? अभी यहाँ पर स्पॉट पे कुछ इस तरीके के साइन मिले हैं कि यहाँ पर संभवतः किसी पशु की हत्या की गई है, उसको लेकर के अभी थाना हैदरगढ़ में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया गोवंश पक्षी अधिनियम के अंतर्गत, और उसमें जिन लोगों के ऊपर संदेह व्यक्त किया जा रहा है उनकी उनसे पूछताछ की जाकर उनकी यदि उनको वो यदि इस घटना में शामिल होंगे तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये जानकारी में यह कई सालों से चल रहा पर प्रशासन की नज़र में अभी पहली बार आया क्या? इन्फॉर्मेशन आती है उसके बाद कार्रवाई होती है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, जब इन्फॉर्मेशन आई है तब तक कार्रवाई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।